चार चार पीस, ये छोटे बच्चों को खाने में बहुत ही आराम से खा सकते हैं। अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में। ये देखिए, बेहतरीन तरीके का ढोकला, तुरंत का तुरंत 5 से 10 मिनट लगता है। सिर्फ आपके पास कैसा भी ब्रेड हो, आटे का हो या मैदे का, जैसे तैसे, और हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से इस पे चटनी डाल देंगे। तो बच्चों को तो लाल चटनी वैसे भी पसंद है। ये देखिए, और बहुत जल्दी से ये बन जाती है। बच्चों को लाल चटनी जब भी लगा के पराठा रोटी पे भी हम देते हैं तो बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमने बच्चे को लिए तो इसमें डाला नहीं, धनिया पत्ती भी नहीं पसंद करते हैं। और देखिए, ये हमारा तुरंत का तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा होगा और आपका तुरंत बनाया हुआ डोस। क्या बात है बाबू, आप खाइए, उठाइए। हाँ, केचप लगा वाह, है, कैसा रहा? वेरी नाइस, गुड। मेरा नाती खुश हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्या बात। अरे, मेरा बच्चा को भूख लग गया, अचानक 2 मिनट में मैंने इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए आपके लिए ब्रेड रख लिया है। अब चलो, मैं अच्छा तुरंत बनाती हूँ, आपको खिलाती हूँ मेरा बच्चा। और इसमें क्या क्या पड़ेगा ये देखो, इसमें देखो मैंने हरी चटनी लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि नहीं खानी आपको, बिल्कुल नहीं ठीक खानी है। चलो लाल चटनी लगाते हैं, बिल्कुल जैसे सादा सादा मैं है। बना ये है, सॉस शॉर्ट है। सॉस चलो, बहुत अच्छा है, हम लाल चटनी से ही बनाते हैं, ठीक है। और दही तो लगा दे बेटा, क्योंकि दही में तो बहुत जायका आता है, देखना अभी बहुत जल्दी ये बनता है। ये देखो, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मेरे बच्चे को भूख लगा तो मैं चलो इसी को बनाती हूँ। और देखो, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसी नारियल के ऊपर मैंने थोड़ा सा लच्छा डाल दिया नारियल का। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, गुड। और इससे मैंने ढक दिया। चलो, अभी तुरंत का तुरंत मैं सेक देती हूँ, हरी चटनी नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ, आपने कहा है तो मैं 2 मिनट में। ये देखो, मैं राई का तड़का लगा के कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूं या ना डालूं, ये नहीं, आपके ऊपर है, हरी मैं नहीं मिर्च नहीं डालती हूँ। डालो, चलो, मैंने निकाल दिया। अब मैं ये आती दोनों हूँ, चीज मत डालो। बिल्कुल मैं इसको हल्का सा फ्राई करके आपके ब्रेड पर डाल दूंगी। नहीं चलिए, नहीं ये दोनों मत बिल्कुल प्लेन डालो, लेना है तो प्लेन ही बना देते हैं। प्लेन चलो, आ लेना, जाओ भाई, अब अब इसको मैं पका गैस के पका पास के देना। आ गया है। हाँ, ये देखिए, मैंने पैन रख दिया, गैस को ऑन किया है, और मेरे नाती को बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने मिर्ची इसमें काट के नहीं डाला है, पर हल्का सा ये जो दही और ये नारियल डाला था इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चुटकी भर का इसके लिए प्लेन बना रही हूँ। ये चुटकी भर का नमक, सादा नमक है जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, और इसके ऊपर से मैं ढक देती हूँ। पहले इसको प्लेन सेक देती हूँ, फिर मैं तड़का लगाऊंगी, फिर आखिर में तड़के के साथ में उसको निकाल कर अलग से सादा बनाकर देती हूँ। अब देखिए, ये सरसों का तेल है तो मैं सरसों के तेल से केवल इसको ग्रीस करूंगी हल्का सा, ज्यादा इस पे हम तेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये ढोकला बनकर हमारा रेडी हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो मैं पहले डालूंगी चुटकी भर अपना राई, ये देखिए आपको दिख रहा है, और थोड़ी सी इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी बिल्कुल, और हल्की सी एक स्लाइस में ये हरी मिर्च डाल दूंगी, जो कि मैं बच्चे को नहीं दूंगी, थोड़ा सा 2 पीस में मैंने डाला है, आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं कई पीस। और इसके बाद मैं इसको हल्का सा गरम करूंगी, जब ये चुट चुट होने लगेगा, ये देखिए, और इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं डालती हूँ हल्का सा नमक, क्योंकि नीचे वाले ब्रेड पे हमने डाला नहीं है। अब देखिए, ये चट चट होने लगा है, क्योंकि बाबू को छोटा है, दिल्ली से आया है, तो इसके लिए थोड़ा सा मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इसको बिना मिर्च का बना दूंगी, फिर हम अपने लोगों के लिए बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से अब आँच को कम कर दे रही हूँ, और अपने स्लाइस को, खास तौर से मैं इसकी स्लाइस ये पूरा अच्छी तरीके से सेकूंगी, ये देखिए, और हल्का सा ऊपर भी इस पे हम तेल लगा दूंगी, बहुत थोड़ा सा, और हल्का सा सिम करके ही मैं इसको फ्राई करूंगी। देखिए,
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये सिकता बहुत जल्दी है। ये जैसे भी बनाते हैं तो ढोकला हमारा इंस्टेंट तुरंत का तुरंत, जैसे बच्चों को बड़ों को अगर मन किया तो ढोकला हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी जब भी बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत जल्दी से बनती है। देखिए सीखने में भी कितना आसान है कि हमने कुछ भी नहीं किया। हरी चटनी उसने मना किया तो मैंने हरी चटनी नहीं लाल चटनी लगाई। सेकंड में हमने दही और नारियल डाला, नमक डाला और राई कड़ी पत्ते और नमक के साथ में हरी मिर्च का थोड़ा सा मैंने इसमें टुकड़ा डाला है, पर मैं बच्चे को नहीं दूंगी। देखिए इसीलिए बिल्कुल ये सादा बन रहा है। ये हरी मिर्च आपको दिख रहा है, ये मैं अलग से निकाल कर अपने लिए रख लेंगे। अब ये सिक चुका है, चलिए मैं गैस को ऑफ करती हूँ और फिर हम इसको निकाल कर और कट करके कैसे इसको सर्व करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आइए अब इसको मैं कट करती हूँ, बहुत जल्दी बनती है ये देखिए बन गया बेटा, बस तुरंत दे रहे हैं, ये आइटम बनने में टाइम नहीं लगता है। ये देखिए चार चार पीस, ये छोटे बच्चों को खाने में बहुत ही आराम से खा सकते हैं। अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में। ये देखिए बेहतरीन तरीके का ढोकला तुरंत का तुरंत, 5 से 10 मिनट लगता है। सिर्फ आपके पास कैसा भी ब्रेड हो, आटे का हो या मैदे का, जैसे तैसे, और हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से इसकी चटनी डाल देंगे। तो बच्चों को तो लाल चटनी वैसे भी पसंद है। ये देखिए और बहुत जल्दी से ये बन जाती है। बच्चों को लाल चटनी जब भी लगा के पराठा रोटी पे भी हम देते हैं तो बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमने बच्चे को लिए तो इसमें डाला नहीं, धनिया पत्ती भी नहीं पसंद करते हैं। और देखिए ये हमारा तुरंत का तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा होगा और तुरंत ढोकला तैयार बन गया, ब्रेड से और दही से और लाल चटनी डाला है। वैसे तो मैं हरी चटनी, लाल चटनी, दही, नारियल सब कुछ डालती हूँ। चलिए अब हम अपने नाती को खिलाते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरह नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। थैंक यू।